आप ही लोग हैं जो बार बार मोबाइल पे फोन कर रहे हैं। हाँ सर, पिछले कई महीनों से हम आपको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। चले? हाँ सर चलिए। मेरे पिताजी जो थे वो फिल्म सोसाइटी चलाते थे लखनऊ में, तो कुछ फिल्में उन्होंने दिखाई थी। फिर जो हिंदुस्तान का पैरेलल सिनेमा था उस जमाने का, मुझे लगता है उसको पता नहीं क्यों इतना नकारा जा रहा है आजकल, क्योंकि उसमें एक बहुत खूबसूरती थी। और आज जो सिनेमा बन रहा है, जो इंडिपेंडेंट है, उस बहुत योगदान है उसमें, पैरेलल सिनेमा का बहुत ताल्लुक है उसका पैरेलल सिनेमा से। तो मैं अगर बताऊं आपको तो एक मेरे ख्याल से शाम की फिल्म थी भूमिका। तो जब मैंने वो भूमिका देखी और वो फिल्में रिलीज होती थी, तो मैंने ऐसा नहीं किसी कॉन्फ्रेंस में देखी या फेस्टिवल में देखी, बल्कि आम लोगों के साथ एक हॉल में देखी। और वो फिर अचानक लगा कि एक सिनेमा इस तरह से भी बनाया जा सकता है, कि ये भी तरीका है सोचने का, एक फिल्में ऐसी भी हो सकती हैं। उस बार घर ले आया था, बार बार नहीं लाऊंगा। तो मरने क्यों नहीं दिया मुझे, क्यों वापस ले आए? गलती की, मेरी कमाई की जरूरत है इसीलिए ना। क्या सच है अपने नाम से अलग बैंक अकाउंट खोला है तुमने और नया कॉन्ट्रैक्ट भी खुद साइन कर लिया है? उस वक्त का कहीं एक कुछ समझ फिल्म मेकर की, कहीं फिल्म मेकर दिख रहा है, कहीं उसका एक अंदाजे बयां जो है अलग हो सकता है, क्योंकि वो जो हम सिनेमा उस वक्त हिंदुस्तान में दूसरा बन रहा था वो कुछ कहीं अलग सा था, बेढंगा सा था, मतलब कभी कभी अच्छा भी था लेकिन बहुत कम था। तो मेरे ख्याल से शाम का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मेरी जिंदगी में। और फिर मैंने, मुझे अभी भी याद है, सी में मैंने भवनी भवई देखी केतन मेहता की, और मैं हॉल में था, उद्योग भवन में मेरे ख्याल से वो स्क्रीनिंग थी, और मैं देखा और मैं एकदम से बिल्कुल ही, थोड़ा सा मेरा थिएटर से भी ताल्लुक था और शायद उस वजह से भी, बल्कि मुझे अचानक लगा कि ये एक उसमें एक लुत्फ भी है, उस अंदाजे में हमें एक हकीकत भी है, एक सुनाने का एक लुत्फ भी है, एक स्टाइल है, एक फिल्म मेकर है, एक फ्रेम है, कहीं कैमरा कुछ कह भी रहा है, कहीं एडिटिंग भी कुछ कह रही है, कहीं फोक जो हमारे पूरा जो रिवाज रहा है, जो एक हमारा ट्रेडिशन है, उससे भी कहीं कनेक्टेड है, पर आज की हकीकत भी बयां कर रही है। और लेकिन बयां जो हो रहा है वो बहुत एक अंदाज है उसका, एक उड़ान है उसमें। तो मैं उस वक्त, मैं मुझे अभी भी याद है कि मैं केतन मेहता, अब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बड़े भाई है, लेकिन उस वक्त मुझे अभी भी याद है, मैं केतन के पास गया था और मैं हाथ में पकड़ा था और मैं कह रहा था कि मैं, आपने मुझे बम्बई जाने पे मजबूर कर दिया, अब मैं जाऊंगा क्योंकि आपने ये फिल्म बनाई है। क्यों हाजिर से महाराज? महाराज क्या मरी गया था? मरी नोता गया, जानमा गया था। खबर न थी कि जानमा जशे तो जान थी जशे। जाओ एक एक ने लई जई ने एवा चाबखा मारो के खो भूली जाए। जाओ ले जाओ। एक सिंगल अगर फिल्म का योगदान है कहीं मेरी जिंदगी में तो भवनी भवई का। तो मैं गया और तब से एक उस पैरेलल सिनेमा से जुड़ा, जाने भी दियारो थी और कुंदन थे और मैं, उन्होंने लिखने को भी दिया और एक 23 साल का लड़का लिख भी रहा है एक फिल्म, वो भी बहुत बड़ी बात है, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ उस बारे में। और फिर सईद साहब थे, सईद अख्तर मिर्जा, जिन्होंने मोहन जोशी में मुझे काम दिया लिखने, तो वो उससे मैं एक परिवार से मैं आया और एक तरह से के फिल्म मेकर्स थे, बड़े पैशनेट थे अपनी एक सिनेमा, ऐसा लगता था कि सिनेमा से कुछ और भी होगा, कुछ समाज को प्रोवोक तो कम से कम करेंगे अगर बदलेंगे नहीं तो। वाह वाह मलकानी साहब, कमाल कर दिया, देसाई को हरा दिया। अरे अंकल जी, अंकल जी,
हाँ हाँ बेटे, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू अंकल जी, वाह 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 वाह, थैंक यू गोखले। यानी मेरा तो जी चाहता था कि आपके कदम चूम लूं। है अंकल जी, क्या सबूत पेश किया अदालत ने, यानी ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, कानून, वक्त, इंसाफ का तराजू, वाह वाह मलकानी। ये सब लागू साहब, मतलब लालवानी साहब की मेहरबानी है। जो हमारा एक तरह से पॉलिटिकल रुझान था और कहीं सिनेमा साथ में, कहीं उस वक्त क्यूबा की फिल्में, उधर अमेरिका में मार्टिन स्कोर्सेसी की फिल्में, और ये हिंदुस्तानी सिनेमा, पीछे हमारे गुरुदत्त वगैरह, बिमल रॉय, सत्यजीत रे, तो कभी आप भूल नहीं सकते उनका योगदान। जब हमने बाद में देखी, मैंने तो इनफैक्ट पाथेर पंचाली बचपन में देखी थी, इतनी समझा नहीं था जितना जब बम्बई आया तो एक दिन स्क्रीनिंग में देखी, हाउस ऑफ रशियन कल्चर में एक दिन भवनी भवाई, मैंने कुछ नया प्रिंट था, और मुझे अभी भी याद है कि मैं, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक फिल्म देखते हैं उसके बाद बैठे रहते हैं फिर उसका दूसरा शो देखते हैं, आप वो ओट नहीं पाते, तो वो पाथेर पंचाली का कुछ ऐसा असर था। एक, उसमें भी एक हमेशा एक फिल्म मेकर का क्या होता है कि वो एक असल फिल्म मेकर होता है, वो कहीं आपको उस वक्त से, उस जगह से, उस माहौल से भी जोड़ता है और उस माहौल से उठा के आपको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताता है, तो आप कहीं अपनी जिंदगी को उससे जोड़ते हैं, कहीं कुछ आपकी भावनाएं जुड़ती हैं उससे, कुछ आप जिंदगी को समझते हैं, कुछ आप अपनी जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं या जो भी आपके जो समझ आपकी अधूरी होती है वो कहीं उसमें कुछ बात जोड़ता है, कोई कड़ी बनती है, उससे कुछ एक सवाल उठते हैं जो आपका दिमाग खोलती है। सवाल आसान जवाब नहीं देती बल्कि आपके कहीं इंद्रियां जो है वो आपके दिमाग को खोलती है, तो वो अच्छा सिनेमा का ये होता है मेरे ख्याल से योगदान कि आपका दिमाग जो है वो खोलती है। वो थिएटर का मेरे ख्याल से मुझे खोलने में, मेरे दिमाग खोलने में बहुत योगदान है, तो वो सब था कहीं एक पॉलिटिक्स की समझ जो आजकल गलत है। पॉलिटिकल सिनेमा का मतलब नहीं है कि पॉलिटिक्स पे फिल्म, बल्कि एक पॉलिटिकल नजरिया, तो वो नजरिया जो था वो कहीं उसमें एक पॉलिटिकल भी था कि किस तरह, और पॉलिटिक्स एक्चुअली पॉलिटिकल समझ या पॉलिटिकल होना क्या होता है, वो ये होता है कि आप किस तरह से आपको समाज या जो आप जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो स्टेट है, वो आप पे बंदिश कैसे कर रहा है। आप आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं अगर इंसान जो है, चाहे उसमें औरतों का एम्पावरमेंट हो, चाहे उसमें दलितों का हो, चाहे उसमें समाज के जो निचले लोग हैं उनकी हो, या आपकी खुद की ख्वाहिश हो और आपके खुद का जो आपकी आजादी की ख्वाहिश हो और आपकी जिंदगी में जो मुमकिन है वो आप हो सकता है चाहते हो, चाहे वो सेक्सुअलिटी हो, वो सब भी, वो सारा जो है मेरे ख्याल से पॉलिटिकल है। तो वो एक नजरिया पॉलिटिकल जो था वो हम लोगों का था, और उसकी वजह से हम कुंदन से आसाम को जाने के आरोप भी एक पॉलिटिकल फिल्म है एक तरह से। क्या 10 लाख का नाम सुनते ही तुम्हारे भी मुंह में पानी आ गया है, है ना? आप क्या कह रही हैं शोभा जी? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए हुँ? तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितनी कीमत है तुम्हारी? हमें कुछ नहीं चाहिए शोभा जी। देखिए हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटी है सिनेमा, जो पॉपुलर मास सिनेमा है, जो ज्यादातर सिनेमा है, मतलब उसमें इंडिविजुअल आर्टिस्ट आके अपनी दखल देता है और वो उससे हटके और उसके प्रेशर से हटके अपनी कभी कभी फिल्म बना लेता है, और कभी कभी ज्यादा, मतलब जरूरी लफ्ज है कि मतलब वो, लेकिन ज्यादातर जो सिनेमा है उसमें प्रेशर तो बहुत ज्यादा पैसे और कमर्शियलिज्म का है,
सिनेमा के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दूं कि 80 के दशक से जो है जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री जुड़ी उसके साथ। पहले म्यूजिक जो था हिंदुस्तानी सिनेमा का वो फिल्म से जुड़ा होता था। हिंदुस्तान में एक अंदाजे बयां में एक म्यूजिक रहता था, तो उस ट्रेडिशन में हमारी फिल्मों में भी आया। फिर म्यूजिक अपने आप में एक इंडस्ट्री हो गई, तो अब जो म्यूजिक कंपनी थी वो पैसे देने लगी फिल्म वाले को। अब गाना जो है उसको अपना अलग चाहिए था, तो अब फिल्म से वो अलग हो गया वो गाना। अचानक कोई गाना बजता है, अचानक आप स्विट्जरलैंड में जाते थे गाना कुछ बजने लगता था। वो म्यूजिक जो, जो जो एक दूसरे फोर्सेस हैं उन्होंने इस ये परिवर्तन किया, अलग किया, नैरेटिव से अलग हुआ है। अब लोग उसको बड़ा थ्योराइज करके बॉलीवुड का अंदाज बोलते हैं, बॉलीवुड का अंदाज नहीं है बल्कि कमर्शियल प्रेशर और जो 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 दुकानदार है जो आपको पैसे दे रहा है उसकी वजह से, उस प्रेशर में फिल्म मेकर ने जो की लालच हो या जो भी कहिए, वो उसने उस नैरेटिव को बदला एक तरह से। तो अब उसी तरह के प्रेशर्स हैं, एक तरह से आप फिल्म बनाते हो, आपका एक कॉर्पोरेट अंदाज हो गया, वहां पे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक मॉल में आप फिल्म देखते हो जहां पे आप बाकी चीजें खरीदने जाते हो, तो वहां पे अगर आप ऐसी फिल्म बनाओगे जो बहुत सवाल उठाएगी तो द्वंद सा जो होगा दिमाग में, जो खलबली होगी, उसमें आप खरीदने के बड़े अच्छे माहौल में मूड में होगे नहीं। तो थोड़ा सा उस तरह का सिनेमा बनने लगा जो अच्छा अच्छा अच्छे लोगों के बारे में, गाड़ियां, एस्पिरेशंस, क्या खरीदना है उस तरह, उससे। लेकिन अब क्या है, एक एक दो तरफा है, क्योंकि अब एक नया हिंदुस्तानी और नया बच्चा जो बड़ा हो रहा है, जो पढ़ लिख रहा है एक दूसरी तरह से, जो जिसका एक्सपोजर दुनिया से, वो कहीं अपनी कहानियां भी सुनना चाह रहा है, तो मजबूरन मेरे ख्याल से वो जो है थोड़ा सा उसकी जो डिमांड है उसकी वजह से एक दूसरा सिनेमा भी बनने लगा है। तो अब मेरे ख्याल से डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया है हिंदुस्तानी सिनेमा में, एक है जो एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है और एक है जो सिनेमा जो अपनी कहानी कहीं सुना रहा है, कहीं चाहे वो उसको आप अनुराग कश्यप का सिनेमा बोलें, चाहे आप उसको दिवाकर बैनर्जी का बोलें, चाहे विक्रम मोटवाने का बोलें, विशाल भारद्वाज का बोलें, मधुर भंडारकर का भी बोलें, बहुत लोग हैं जो यंगर लोग खासतौर पर आज फिल्म मेकर जो आ रहे हैं उनमें कहीं अपनी ख्वाहिश है और उस माहौल से आ रहे हैं, तो वो अपनी कहानियां सुना रहे हैं और उनकी एक उनके एक दर्शक हैं जो अपनी उनकी कहानियां सुनना चाह रहे हैं। तो अब वो जो कॉर्पोरेट है वो कहीं फिल्में उस तरफ भी उसका रुझान बढ़ रहा है क्योंकि उसको ऑडियंस दिख रही है वो वाली। राजा दिल सांड हो ना तो हर लड़की फैंस दिखाई देती है मेरी जान। गुल्ले की बेगी, बेगी का गुल्ला, जब तंबू खोला तब गुल्लम गुल्ला। मेरे हिसाब से देखिए क्या है, एक जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, चाहे वो तकनीक की वजह से हो, चाहे जब आपने एक इन्फॉर्मेशन अगर लोगों में पहुंच गई है और दिमाग जब खुलते हैं तो आप उसको वापस बंद करने का संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब जो फोर्सेस हैं जो सिर्फ एक कंज्यूमर बनाना चाहते हैं इंसान को, वो कुछ हद तक शायद कामयाब होंगे लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से लोग उसका दिमाग जब खुलेगा तो वो चाहे वो अब कहाँ कंट्रोल है सिनेमा पे, अब कंट्रोल धीरे धीरे प्रोडक्शन सिस्टम पे नहीं रह जाएगा। कोई भी कहीं पे भी बैठ के जबलपुर, जगदलपुर, जमशेदपुर में लड़का बैठ के जिस तरह से बड़ा अच्छा एमेचर थिएटर होता है वहां पे, वैसे ही एक बहुत अच्छी फिल्म बगैर मुंबई आए बनाना मुमकिन है अब। लेकिन उसको एग्जिबिशन, उसका एग्जिबिशन जो है उस पर अभी भी कंट्रोल हो सकता है स्टूडियोज का, कि वो फिल्म ना पहुंचे। अब वो डिलीवरी सिस्टम्स कैसे होंगे उस पर काम कर रहा है, और यहां स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अगर स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा कि छोटे से छोटा, मेरे ख्याल से स्टेट को फिल्म के प्रोडक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए।
फिल्म को बना लेंगे लोग, वो आर्टिस्ट का अपना मोटिवेशन होना चाहिए, उसमें उसको तकलीफ भी होगी, वो तकलीफ उसको उठानी चाहिए। बट कहाँ मदद है कि जहाँ वो बना सके, जब वो बना ले तो उसकी फिल्म जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यहाँ स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंटरवेंशन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जब मल्टीप्लेक्सेस के बने थे, जब लाइसेंस दिए गए थे, तो उसमें कहा गया था कि एक स्क्रीन जो है वो रीजनल सिनेमा के लिए होना चाहिए वगैरह। वो सारे लॉज जो हैं वो धरे के धरे रह गए, वो सारी कंडीशंस धरे के धरे रह गई, और सिर्फ बड़ी फिल्मों को वो एग्जीबिशन आउटलेट मिलता है। और रीजनल फिल्में तो दूर, छोटी जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड नेशनल सिनेमा, जिसको आप बॉलीवुड कहते हो, जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो भी रुक नहीं पाती एक आध हफ्ते से ज्यादा। तो यहां स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अगर स्टेट इंटरवीन करेगा तो मेरे सिर्फ इस जगह पे, तो मेरे ख्याल से बहुत खुल जाएगा माहौल। कैसे तबीयत है सलीम की? अरे भाई बोलो। सजाग भाई, हम तो आज ही पूरा पैसा भर देते, मगर वो साला मणि आखिरी मौके पर आकर पलट गया। यार ये मणिकाम तुम जानो, हम तो सिर्फ चौरसे हो जानते हैं बस। तो असल फिल्म मेकर है वो अपनी एक अंदाज लेके आएगा, क्योंकि उस महज वो इश्यू नहीं हो सकता, वो एक पूरी समझ हो अंदर होके फिर एक कहानी कहीं उभरती है जो उस माहौल को कहीं झकझोरती है, कहीं उसको प्रमोक करती है। तो वो कहानी जो है वो मेरे ख्याल से उन लोगों के जरिए आएगी जो 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 ऑर्गेनिकली वहीं उसी उससे गुजरे हैं, और जो जिनके अंदर वो कहीं लीन है एक तरह से। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता रहता हूँ। अगर यही सब करना था तो शादी करके मुझे यहाँ क्यों लाए? छोड़ देना उसे। तुम बीना के साथ शादी करना चाहते हो ना? तुम उसके साथ मैं बाप से जाके पूछो। आज से 10 साल बाद आप ग्रेडिंग भी कर लोगे, मिक्सिंग भी कर लोगे, सब कर लोगे वहीं बैठ के एक छोटे से उसमें। तो अब उस तकनीक के लेवल पे भी वो सिनेमा उतना ही अच्छा होगा, है ना? ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई कमी होगी। तो अब वो जो सिनेमा है, और कहीं जो कहीं ना कुछ लोगों में कम से कम, जैसे कि कभी कभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो टेलीविजन के राइटर ढूंढते हैं छोटे शहरों में, वैसे ही जो वो फिल्म बनाएगा तो मेरे ख्याल से अब वो, और वो जब नई कुछ नया कुछ करेगा, और जो एक दो उनमें से जब थोड़ा सा पॉपुलर हो जाएंगी तो वो ये लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं वो पॉपुलर मेन स्ट्रीम में भी आएगा वो सब नेशनल उसमें। जैसे कि हिंदुस्तान में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठ के आसाम पे दिल्ली से राज करेंगे। अब वो आसामी भी चाहता है कि मेरी ख्वाहिश जो है, मेरी जो अपनी समस्याएं हैं, मेरी जो अपनी अपना दर्द है, वो आप एड्रेस करो। पानी पीना भाई, मुझको मेरा हिस्सा चाहिए। मैं था हिस्सा? काय बात का हिस्सा भाई? जो पैसा मैंने तेरे को बना के दिया उसका हिस्सा, और काय बात का हिस्सा? अच्छा, जो पैसा तूने हमें बना के दिया है, जगह मेरी, धंधा मैं लेके आता था, हिस्सा तेरा किस बात का? रुकी पड़ी थी तेरी कंपनी, 5 करोड़ से 2500 करोड़ तक खींच के लाया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10% बनता है मेरा, वो दे दे मुझको, फिर तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊँ, दोनों खुश। ठीक है, चौधरी जरा संभालिए उसको भाई। सिनेमा में पहले डिपिक्शन जो था औरतों का, जिस तरह से उनकी कहानियां बयां होती थी, और आज में फर्क सिर्फ इतना है मेरे ख्याल से, आज के सिनेमा में औरत को गलत होने का हक है एक तरह से। क्या परिवर्तन है कि औरत की उतने ही हक है कि वो आज अपनी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। तो वो जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आपको सिनेमा में दिख रहा है। आज की जो लड़कियां हैं उनका जो, और वो जब और औरतें आएंगी और दूसरी तरह के फिल्म मेकर्स जब आज की औरतों की जिंदगी बयान करेंगे, जैसे हजारों में गीता राव का कैरेक्टर है।
नहीं, मेरा ख्याल है कि फिल्मकार का काम है ये समझना, पॉलिटिकल होना, और पॉलिटिकल होना जो है वो मेरे ख्याल से सिर्फ पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के बारे में फिल्म बनाना ये नहीं है पॉलिटिकल होना। पॉलिटिकल आपको अपनी जिंदगी में, देखिए आज बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि पॉलिटिकल होना जो है बड़ी खराब बात है, क्योंकि वो कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन से निराश हुए हैं, है ना। लेकिन पॉलिटिकल होने का मतलब ये है कि आप मुझे कैसे कब्जे में रखा जा रहा है, मेरी आजादी कैसे, कैसे लोग बाहर जो निर्णय लिए जा रहे हैं समाज में वो मेरी निजी जिंदगी को कैसे असर करते हैं। तो अपनी निजी जिंदगी में आजादी पाना और पॉलिटिकल होना एक ही बात है मेरे ख्याल से। फिल्म मेकर का काम है मेरे ख्याल से वो भी समझ रखना। सिनेमा का नहीं तो योगदान है क्या, यही तो है ना कि वो दिमाग खोले, आपको संवेदनशील बनाए, कुछ देखे कि एक मतलब और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवाय, या और भी तरीके हैं, नजरिए हैं जिंदगी में समझने के, और भी चीजें हैं, एक आपका ही नजरिया नहीं, आप दिमाग खोले आपका। मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे करीब से जानते हैं। उसमें जज्बा था, हुनर था। 1, 2, 3, 4 सिर्फ डायरेक्शन और फोकस की जरूरत थी। उसे सब कुछ सिखाया, कैसे चले, कैसे बोले, किस तरीके के कपड़े पहने, कैसे अपने आइडियाज बेचे। तुम भूल रहे हो मैं इस कंपनी का CEO हूँ। मैं इस कंपनी की नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ।